हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कंगन के हीरोइन रही लीला चिटनिस फिल्मों में नारीवाद को प्राथमिकता देने वाली सबसे प्रथम महिला रही हैं। 9 सितंबर 1912 को महाराष्ट्र के धारवाड़ में जन्मी लीला चिटनिस ने 2003 में अमेरिका में अंतिम सांस ली थी। उन्होंने सागर मूवीटोन फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी का तमगा भी मिला। लीला की अदाकारी और कलाकारी से काफी प्रभावित होकर बॉम्बे टॉकीज ने लीला को उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार के साथ फिल्म कंगन के माध्यम से पर्दे पर उतारा। फिल्म में लीला लीड रोल में थी। कंगन हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। फिल्म शहीद में लीला ने पहली बार माँ का किरदार निभाया। इस फिल्म में लीला ने सुपरस्टार दिलीप कुमार की माँ का रोल निभाया था। बॉलीवुड में माँ के किरदार से लीला ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने जब फिल्मों में माँ बनना शुरू किया तो वो न सिर्फ छोटे मोटे अभिनेताओं की माँ बनी बल्कि उस जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार की भी माँ बनने के मामले में वे पहली पसंद रही। लीला ने फिल्म गाइड में देवानंद की माँ का किरदार निभाया। वहीं राज कपूर की फिल्म आवारा और दिलीप कुमार की फिल्म शहीद में भी लीला ने ही माँ का किरदार निभाया था।